या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बचपन में मां कहती थी कि घर एक संस्कार की मूर्ति है। इस पूरे जहां में बसी हुई ये एक सोसाइटी, मतलब मेरा घर। घर सिर्फ विचारों से नहीं, छोटे बड़े कर्मों से बनता है। अपने कर्म अच्छे हों तो आप दूसरों को सही रास्ता बता सकते हो, वरना भटकना तो जिंदगी है ही। ऐसी छोटी बड़ी बातों पर बनी है इस सोसाइटी की बुनियाद। इन्हें जोड़कर बनी है आज की ये कहानी। ना ये कहानी मेरी है, ना मेरे पड़ोस की, बल्कि है पूरे कायनात की।
दत्त। मिस्टर रघुनंदन दत्ता गॉट अवॉर्डेड वन मोर टाइम फॉर हिज प्रोफेशनल वर्क। कौस्तुभ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। यूएस से कब आया? आज सुबह ही लैंड किया अंकल। सोचा कि आपको सरप्राइज दे दूं, पर यहाँ आके मैं प्लेजेंटली सरप्राइज हो गया। आपको प्रोफेशनल वर्क के लिए सम्मानित किया है। वो सब छोड़, मुझे इस बात की खुशी है कि 3 साल बाद कम से कम इंडिया वापस तो आ गया। इंडिया तो मुझे आना ही था रघु अंकल, अपनों से कितने दिन दूर रह पाता। अपना खुद का कंस्ट्रक्शन बिजनेस इतना अच्छा चलने के बावजूद भी आप समाज के लिए इतना काम करते हो। अनाथ बच्चों से लेके बुजुर्गों तक सबकी सेवा करते हो, सच है ना? कैसे कर लेते हो? लोगों को आपसे जलन होती होगी। आप इतने अच्छे क्यों हैं? कौस्तुभ, बात अच्छे या बुरे बनने की नहीं है, मुझे इस काम से बहुत खुशी मिलती है। एंड यू नो, लाइफ हैज अ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग इट्स सॉल्यूशन इज पार्ट ऑफ द गेम। चल छोड़िए, बता घर में सब ठीक? हाँ हाँ, एकदम बढ़िया। मेरे आने पे सब लोग खुश है। और आपके घर में सब लोग कैसे हैं? हमारा चल रहा है ठीक ठाक। आ जा बैठ। हाँ हाँ, आजकल सोसाइटी कुछ बदली बदली लग रही है। चलता है, बाकी सब ठीक ठाक? अरे अरे अरे, क्या मैडम, जरा संभाल के भाई। देखा, इसका तो ये प्रॉब्लम ही है और इसका तो सोल्यूशन ही नहीं। घर की मुर्गी दाल बराबर, क्या करेंगे? क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो अंकल? यही सोसाइटी के प्रॉब्लम्स और क्या, छोटे छोटे इश्यूज हैं, पर मैं यहाँ लोगों में अवेयरनेस नहीं ला सकता। Then why don't you conduct a session for them? अब मैं कोई सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन तो हूं नहीं। Why will they listen to me? I am just finding some मीडियम जिससे मैं लोगों में अवेयरनेस ला सकता हूँ। अच्छा। इसलिए मैंने आज कुछ शॉर्ट फिल्म डायरेक्टर्स को यहाँ पे बुलाया है। लेट्स सी हाउ इट गोस। वाव, अब में तो बिल्कुल बदलाव नहीं आया है। बदलाव? बदलाव तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मेरे इरादों में नहीं, लोगों की सोच में। चले हेलो। हाँ जी, हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, बुलाया आज उन लोगों को, देखते हैं। आप हो ना, तो आप भी आ जाइए। हाँ हाँ, ओके। या वेल, जैसे कि मैंने आपको कॉल के ऊपर सारी आइडिया दे दी है। आप जानते हैं कि जिस नजरिए से हम सोसाइटी की तरफ देखते हैं, उस नजरिए से सोसाइटी की तरफ देखने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। एंड फॉर दैट आई नीड योर हेल्प टू मेक अ सोशल अवेयरनेस वीडियो ऑन सोसाइटी। सोशल वीडियो? yeah. अरे सर, आई एम दैट काइंड ऑफ अ डायरेक्टर जो लव स्टोरीज बनाता है, थ्रिलर मूवीज बनाता है। सोशल वीडियो, आई डोंट थिंक इट विल वर्क। आई एम सॉरी सर, आई कांट। ओके, अवेयरनेस वीडियो? या सर, आर यू सीरियस? डू यू थिंक दिस वीडियो विल गेट अराउंड 10,000 व्यूअर्स ऑन यूट्यूब? आई डोंट थिंक सो सर, आई एम सॉरी टू से, बट आई कांट हेल्प यू। रघु जी, दिस इज टू ओल्ड फैशन। आई सी। जिस सोशल प्लेटफॉर्म की आप बात कर रहे हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, दिस वोंट स्टैंड आउट देयर। आई एम सॉरी, आई कांट डू दिस। हाँ बोलो अनुराग। हेलो रघु भाई, किसी डायरेक्टर से बात बनी? नहीं यार, 2 हफ्तों से ट्राई कर रहा हूं, लेकिन कोई मेरे साथ काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे हिम्मत मत हार,
Okay, let me see if I can get a director from my contact list. यार एक बात समझ में नहीं आती, ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म क्या खाली सिर्फ लव स्टोरीज एंड कॉमेडीज बनाने के लिए है क्या? हाँ, सबको ये आइडिया बोरिंग एंड आउटडेटेड लगता है। छह, वैसे आज रात मैं बिजनेस के सिलसिले में कुवैत निकल रहा हूँ। चल, सी यू, ऑल द बेस्ट। कुवैत? ओके, सी यू देन, हैप्पी जर्नी डियर। Excuse me, sir. Yes? Sir, I came from Vivekananda Excellency. Vivekananda Excellency? Yes, sir. Could you please buy one book from us? This book is regarding what? It's a general information and Vivekananda's works. Oh. Could you please... How much it cost? Only 100 rupees, sir. Swami Vivekananda. Papa, Papa. पापा, आज पता है स्कूल में ना हमें एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें हमें एक ऑटोबायोग्राफी पे काम करना है. और हाँ, टीचर आल्सो सेड दैट मेनी पीपल गॉट इम्प्रेस्ड बट ब्यूटीफुल थॉट्स अबाउट लाइफ एंड सोसाइटी. सो पापा, आई थिंक वी शुड फॉलो इन हिज पाथ्स. ग्रेट, लेकिन मुझे बेटा पहले ये बताओ कि किस बायोग्राफी के ऊपर तुम काम कर रही हो? स्वामी विवेकानंद. What? स्वामी विवेकानंद. स्वामी विवेकानंद. Oh. और पापा, पता है स्कूल में भी किसी को नहीं पता है. See, I'm so smart. हाँ, स्मार्ट तो तुम हो ही. May I come in, sir? Yes. Please come in. Please come. I hope I'm not late. No, not at all. Please have a seat. Thank you. Well, Narin, आपको मेरे बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा. By the way, I am Raghunandan Dutt. And this is what I do. A small time construction company. This isn't small time. It's too huge. Thank you. And myself, Narendra Datta. I'm basically from Kolkata. From Kolkata? Yeah. Oh. And here in Pune. I live at Pimpre Sodagar, Shivar Chowk, Rajveer Palace, Phase 3. I see. And I'm not a professional director. Just a couple of projects I have done earlier. And I'm professional IT engineer. Uh-huh. But on phone, you sounded so grown and mature. So I expected somebody in his 40s to be coming here. Too young.
अनुराग मस्ट हैव टोल्ड यू दैट ये प्रोजेक्ट हम पहली बार कर रहे हैं. हाँ हाँ, उसने ये बात मुझे जरूर बताई है. यू नो, कुछ दिन पहले मैंने ऐसे इंसान के थॉट्स पढ़े जिसने अपनी कम उम्र में बहुत कुछ कर दिखाया. कोई भी काम करने के लिए उस शख्स ने कभी भी सही वक्त का इंतजार नहीं किया. इसीलिए तो पूरी दुनिया ने उसका लोहा माना है. अच्छा, जानते हो वो कौन है? कौन? स्वामी विवेकानंद. आपके और मेरे ख्याल बिल्कुल मिलते हैं सर. दिस सोशल अवेयरनेस वीडियो इज चैलेंजिंग फॉर मी. एज अ डायरेक्टर आई बिलीव दैट टेक अप एन आइडिया, मेक दैट आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट एंड लिव ऑन दैट आइडिया. वाओ, हालांकि मैं ये वीडियो प्लेटफॉर्म फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ. बाय द वे, वो तुम्हारे पास पूरा एंटायर क्रू तो है ना? क्या कहते हैं उसको? हाँ, डीओपी, एडिटर एंड सो ऑन. हाँ हाँ, डेफिनेटली. हमने एक टीम फॉर्म की है और हम लोग बहुत एक्साइटेड है इस प्रोजेक्ट के लिए. वेल, आई वांटेड टू सी द स्क्रिप्ट. यू नो नरेन, जो स्टोरी मुझे हाईलाइट करनी है वो हमारे सोसाइटी में थोड़े बहुत डेवलपमेंट्स उसके कारण हो सकते हैं. एंड नरेन, द मेन हाईलाइट ऑफ द स्टोरी विल बी स्वामी विवेकानंद. दैट्स इंटरेस्टिंग. लेट्स स्टार्ट अप दिस प्रोजेक्ट. लाइट्स, कैमरा, एक्शन. क्या बकवास है यार. क्या हुआ, टेंशन में लग रहे हो? अरे कुछ नहीं, मैसेज आया है. अच्छा. लिखा है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को ना पालो. क्या नॉनसेंस है यार. हुआ क्या? अच्छा तुम बताओ. हाँ. आजकल किसी का लक्ष्य ही नहीं है तो प्राप्त क्या खाक करेगा. तुम भी ना, सुबह सुबह शुरू हो जाते हो. पता है सोसाइटी में इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हार मत मानो यार. अरे मैं हार कहाँ मान रहा हूँ. जरा हंसो, मुस्कुराओ, प्यार से बातें करो और ये चाय को पीना. तब तक मत रोकना जब तक इसकी खत्म होने के लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए. समझे क्या? तुम भी ना. अरे रे 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 रे, तुम लोगों को कितनी बार बोला है खाना मत फेंका करो. ये रोज रोज खाना बाहर क्यों फेंक देते हैं आप? अभी शुक्ले सुनो बे, क्रांतिकारी मोदी का 2020 का मैच चालू हो गया, आ जाओ मजे लूटे. क्या बात कर रहा है, कौन बैटिंग कर रहा है? अरे बैटिंग करे या बॉलिंग, विकेट तो क्रांतिकारी की ही जाएंगी ना. फेंक नहीं है तो उसे डस्टबिन में डालिए ना. ये बाहर रखा हुआ खाना सड़ जाता है और इसका बदबू पूरा सोसाइटी में फैल जाता है. जितना लगे उतना ही मंगाया कीजिए ना, क्यों पैसा बर्बाद करते हो? भाई साहब, बैग बंद करके तो डाल रही हूँ और डस्टबिन तो फुल है. कचरा तो साइड में ही डलेगा ना, या इसको फ्रेम करके सजा के रखूँ? और आपको क्या, हमारे पैसे जितना चाहे उतना उड़ाए. ये देखिए, अब बोलो बोलो तो इसे भी फ्रेम करके सजा के रखूँ. हाँ, सुबह सुबह नेतागिरी चालू. अरे क्या है, अरे कचरा यहाँ क्यों फेंका? So for the next few shots, we'll focus on similar small things in a society, which can be improved for the betterment of it.
नमस्ते। आपको कभी देखा नहीं यहां पर। हाय, आई एम विवेक। आई एम नरेश। इस सोसाइटी में नया आया हूं। आई हैव जस्ट शिफ्टेड टू मिस्टर बैनर्जीज हाउस। इवनिंग वॉक कर रहा था और बिजली चली गई तो यहीं पर बैठा था। ये बिजली की समस्या अक्सर रहती है क्या? यहाँ तो समस्याएं समस्याएं नरेश जी, यहाँ ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जिसका हल कोई इंसान नहीं दे सकता। समस्याएं सब जगह एक सी हैं। वो मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि उनका हल निकालने के लिए हम कौन सा तरीका अपनाते हैं। हर समस्या हमें कुछ न कुछ सिखाती है, जिससे सीख लेकर हम स्वयं का आत्मावलोकन करें और आगे बढ़े। हमारी आत्मा से बढ़कर और कोई शिक्षक नहीं है। कहना आसान है नरेश जी, पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना उतना ही डिफिकल्ट होता है। बहुत आसान है। इन समस्याओं से विपरीत परिस्थितियों में कैसे धैर्य रखा जाए, ये सीखा जा सकता है। बस एक ही चीज मायने रखती है, वो है हमारा दृष्टिकोण। रही बात बिजली की समस्या की, तो आप जरूरतों की जगह पर सोलर पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी बातें सुनने में तो अच्छी लग रही हैं, पर उसका सॉल्यूशन, खैर छोड़िए, आपसे मिलता हूं, सिक्योरिटी को अलर्ट कर रहा हूं थोड़ा। रुको रुको रुको, फिर यही डाल रहे हो। ओके कट, गुड शॉट, बट वील टेक वन मोर। दादा, हो वेलकम वेलकम। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हिम, माय बेस्ट फ्रेंड सन कौस्तु। हाय हाय। 3 हफ्ते पहले यूएसए आया। ओहो, और इस प्रोजेक्ट में वो अपने साथ ही काम करने वाला है। ओह, दैट विल बी ग्रेट। सो वी आर अबाउट टू टेक अ नेक्स्ट शॉट। कूल, व्हाई डोंट यू जॉइन अस? व्हाई नॉट, चलिए। सूर्या, ऑल सेट, वन मोर। एक नंबर है अंकल। हाँ, आई मस्ट से दैट वी हैव गॉट अ वेरी गुड डायरेक्टर। वेरी गुड। एक बात बोलूं, ये जो वीडियो चल रहा है, ये सोसाइटी के अवेयरनेस के लिए, ये मैसेज लोगों तक बराबर ये आदमी पहुंचाएगा, मुझे फुल गारंटी है, फुल जी जान लगाएगा। देख क्या बात है, क्या देखिए क्या हुआ, किस बात पे बहस चल रही थी? अरे देखिए ना नरेश जी, यहाँ पर लोग रोज रोज ही खाना बाहर फेंक देते हैं। इस देश में लोगों को एक वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है, और यहाँ यहाँ खाना रोज फेंक रहा है। अरे बहुत आसान है, आपको समस्या है कि खाना वेस्ट हो रहा है, और उन मेम साहब को खाना वेस्ट करने से फुर्सत नहीं मिल रही। तो एक काम करिए, शहर में कई हंग्री किड्स एनजीओस के हेल्पलाइंस हैं, उन्हें फोन कर दीजिए, वे घर आकर बचा हुआ खाना ले जाएंगे। इससे आपको गरीबों का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपकी समस्या भी दूर हो जाएगी। आइडिया बुरा नहीं है नरेश जी, मैं आज ही कॉल करता हूँ हेल्पलाइन वालों को और देता हूँ इन मोहतरमा के घर का नंबर। हेलो मैडम। हेलो मैडम, हमने सुना है यहाँ पे खाना वेस्ट होता है। क्या मतलब? मतलब खाना थोड़ा बच जाता है। हाँ होता है, मगर आपको और आपको इससे क्या? अरे यार, ये तो रोज का हो गया है, कोई ना कोई आके लेक्चर दे रहा है। नहीं 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 मैडम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो फूड सेफ्टी एनजीओ से आया हूँ, हमारा तो काम ही है छोटे बच्चों को खाना मुहैया करवाना। पर क्या आप इस नन्ही सी जान को पहचानते हो? नहीं, किसे लेके आए आप, और इस बच्चे से मेरा क्या मतलब, और क्या बकवास लगा के रखी है आपने? मैडम, ये और ऐसी कई नन्ही जान है जिनको एक वक्त का खाना तक नहीं मिलता। मैडम, हमें तो भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए
कि हमें ऐसे माँ बाप मिले कि हमको शायद भूख शब्द का कभी एहसास नहीं हुआ। पर इन बच्चों की वो किस्मत नहीं। पर हाँ, अगर हम अपनी जिंदगी का थोड़ा सा हिस्सा इन मासूमों के साथ बांट ले तो हो सकता है कि इंसानियत बढ़ जाए और हमारा जीवन सफल हो जाए। शुक्ले रुला दे अबे, आज के बाद हम खाना फेंकेंगे भी नहीं, ना ही बर्बाद होने देंगे। आज के बाद अगर किसी ने खाना फेंका तो दे देंगे। चलो ऑफिस जाते अब। थैंक यू। आपकी बातें सुन के मेरी आंखें खुल गई। आज के बाद ये बच्चा कभी भूखा नहीं रहेगा। सपनों में पूरा संसार, अच्छा सिखाओगे कुमकुम बताओगे बनूंगा राजकुमार, अच्छा सिखाओगे कुमकुम बताओगे बनूंगा राजकुमार। जीना आसान कर दिया नरेश जी आपने। जीना तो हमेशा से ही आसान था विवेक जी, वो तो हम लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में जीने का मतलब ही बदल दिया। जब तक लाखों लोग भूखे और अज्ञानी हैं, तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को गद्दार मानूंगा जो उनके बल पर शिक्षित हुआ लेकिन आज उनकी ओर ध्यान तक नहीं देता। सोसाइटी में लोगों के विचार, लोगों की सोच को देखकर लगता है हम अपनी इंसानियत खो रहे हैं। अपना सब कुछ खो देने से ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है। मेरा ये मानना है कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होता है। रहा आपके सवाल का जवाब, तो उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे सब कुछ वापस पाया जा सकता है। अब देखिए ना, हमने एक छोटी सी उम्मीद दिखाई और एक बच्चे की भूख को उन मेम साहब ने गोद ले लिया। नरेंद्र, आई हैव अ डाउट। फेमस हिंदी फिल्म में भी वैसे ही एक लेजेंड कैरेक्टर को यूज किया था ना, उसी तरह यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का हेलुसिनेशन दिखाना थोड़ा क्लिशे नहीं लगेगा? आई मीन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन के सोल्यूशन के लिए स्वामी जी जैसे महान पुरुष को दिखाना कितना जायज है। Well, स्वामी विवेकानंद also believed in humanity. लोगों की सेवा ही ईश्वर सेवा होती है। और इसी मैसेज को हमें लोगों तक पहुंचाना है। चाहे रूप किसी का भी हो, समाज के हित का ही संदेश है। देखा? So, let's have tea. Yeah, sure. अरे ये रोज रोज क्यों गाड़ी धोने में पानी बर्बाद कर देते हैं यार? भाई गाड़ी मेरी है, पैसे डाल के खरीदा मैंने उसको, मेंटेन तो करूंगा उसको मैं। और तुम होते कौन हो, बेकार ज्ञान बांटते फिर रहे हो। चलो जाओ यहां से। एक तो रोज रोज पानी बर्बाद कर रहे हो और ऊपर से अपनी गलती मानना तो दूर, अपने पैसे और हैसियत का घमंड दिखा रहे हो। यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, क्या सीख प्रदान कर रहे हो उन्हें आप? यही कि करो खूब पानी बर्बाद। बच्चे? बच्चों का मैंने ठेका नहीं ले रखा, वो उनके माता पिता जाने। इस सोसाइटी का मेंटेनेंस भरता हूँ मैं, गाड़ी का ओनर हूँ मैं। दो चार बकेट अगर बह गए ना, कौन से आपके बच्चे प्यासे रह जा रहे। खैर आएगी तुम्हें भी किसी दिन समझ में। हाँ ठीक है चलो जाओ। Thank you.
भाई। विवेक जी, इन महाशय को तो बच्चे ही समझा सकते हैं। बच्चे? पर मैंने तो सुना था बड़े बच्चे को समझाते हैं, यहाँ बच्चे बड़ों को समझाएंगे, वो भी उस जैसे ढक्कन प्राणी को। विवेक जी, बच्चों पर निवेश करने की सबसे अच्छी चीज है अपना समय और संस्कार। याद रखिए, एक श्रेष्ठ बालक का निर्माण 100 विद्यालयों के निर्माण से भी बेहतर कार्य है। आइए, मैं बताता हूं क्या कार्य करना है। मन के जीते जी, मन के हारे हार, रंग दो खुद को जुनू से करो प्रहार। मन के जीते जी, मन के हारे हार, रंग दो खुद को जुनू से करो प्रहार। मन के जीते जी, मन के हारे हार, रंग दो खुद को जुनू से करो प्रहार। अंकल, अंकल आपसे एक बात पूछूं। क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो? यह पानी जो गाड़ी धोने के बाद बचाया है, क्या हम इसे यूज कर सकते हैं? जाओ जाओ, ले जाओ। थैंक यू। मन के जीते जी, मन के हारे हार, रंग दो खुद को जुनू से करो प्रहार, करो प्रहार। मन के जीते जी, मन के हारे हार, रंग दो खुद को जुनू से करो प्रहार, करो प्रहार। मन के जीते जी, मन के हारे हार, रंग दो खुद को जुनू से। मुझे आपसे बात करनी थी। बोलो। मैंने उस दिन आपसे बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात की, मुझे प्लीज माफ कर दें। ओके ओके ओके। आज के बाद इस पूरी सोसाइटी में पानी बहने नहीं दूंगा मैं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, कोई बात। आपके सोसाइटी के भविष्य का निर्माण हो रहा है। सही। विवेक जी, एक बात याद रखिए, हमेशा दूसरों पर थोड़ा विश्वास रखिए और दूसरों को पॉजिटिव कार्य करने के लिए हमेशा मोटिवेट करते रहिए। परिणाम सुखद ही आएंगे। फिर उन्हें पानी बचाने का कहना हो या पार्किंग की समस्या हो, समाधान एक ही है, विनम्रता। और इस बात का लोगों को ज्ञात कराना हमारी मौलिक जिम्मेदारी है कि अपनी मदद स्वयं करें। हम सब खुद के सबसे अच्छे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी। विवेक जी, एक बात बताइए, क्या आप कभी अकेले में अपने आप से बातचीत करते हैं? मुझे लोग यूं ही आधा पागल समझते हैं नरेश जी। अगर ऐसा करूंगा तो पूरा पागल समझेंगे। कम से कम दिन में अपने आप से जरूर एक बार बात करें। ऐसा ना करने से आप एक उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ एक बैठक गवा देंगे। एग्जैक्टली। The goal is to manifest the divinity within by controlling nature, external and internal. Devatva tumhe tabhi milega jab tum nature ko nourish karna sikho.
वाह दादा, आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि आप स्वामी जी को बहुत पहले से अच्छे से जानते हैं। हेलो, हाँ बनर्जी सर नमस्कार, विवेक बोल रहा था। हाँ नमस्ते, बोलिए। ये थोड़ा नरेश जी से बात कराइए। नरेश जी? कुछ दिनों से दिख नहीं रहे। अरे कौन नरेश जी? कौन नरेश जी? अरे जो आपके यहाँ आए हुए हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, मेरे यहाँ तो कोई नहीं आया। अरे बाय द वे कौन है नरेश जी, क्या काम था आपको उनसे? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं कॉल करता हूँ आपको। हाय, आई एम विवेक। अरे बहुत आसान है, विनम्रता। कौन हैं आप? मैं आप ही की तरह एक साधारण मनुष्य हूं विवेक जी, बस जीवन को सरलता से जीता हूं और कोशिश करता हूं कि लोगों को भी इस सच्चे और सरल मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकूं। पहले हर सच्ची बात का मजाक बनाया जाता है, फिर उसका विरोध किया जाता है, लेकिन अंत में उसे स्वीकार किया जाता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे भीतर ही हैं, वो हम ही हैं जो आंखों पर हाथ रख लेते हैं और रोने लगते हैं कि कितना अंधकार है। विवेक जी, आपकी आत्मा सच्ची, निडर और साहसी है और आपको अपने जैसे अनगिनत विवेकों का निर्माण करना है। आपकी कर्म यात्रा आज से प्रारंभ होती है। उठिए, जागिए भी और जगाइए भी, और तब तक मत रुकिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। मेरा नाम नरेंद्रनाथ दत्ता है और लोगों के प्यार और स्नेह की वजह से मुझे स्वामी विवेकानंद के नाम से भी जाना जाता है। जय स्वामी विवेकानंद। जय स्वामी। Amazing, amazing. It's team effort. Would love to do that. Thank you so much. Can you give me your autograph? Autograph? Thank you very much. So nice of you. Welcome. Take your pen. Congratulations. मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आपकी बनाई हुई ये social film इतनी अच्छी बनेगी. बस समझ लो बन गई है अच्छी. इनकी मेहरबानी। अरे नहीं नहीं। I'm sorry to say what I said earlier. Nice movie though. Thank you very much. Really great job. Keep it up. Thank you. आइए आइए। मिस्टर रघु, congratulations. हाँ। काश ये मूवी मैं बनाता हूँ। हर चीज में फायदा नहीं देखा जा सकता। सही बात है। We are inspired by this और हम भी social movies बनाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर future में कुछ ऐसा करना हो तो मैं आपको जरूर कॉल करूंगा। अगली बार जरूर याद कर रहा।
मिस्टर रघु, आप पिंपले सौदागर की तरफ जा रहे हो? Yeah, I am taking that route only. If you don't mind, can you drop me over there? Oh, my pleasure, director. Please. Thank you. So, how was the final output? Awesome. Envisioned. All credit goes to you, director. Nah, it's not just me. It's a whole team effort. Aur waise bhi, it was your baby. Maine to sirf usko nourish kiya hai. Yes, I wish I could write this. I'm just a half. My other half is within you. Mm. I'm really happy that I could live up to your expectations. Live up? Dear, you left behind my all expectations and went way ahead. लेकिन एक बात बताइए सर जी मुझे, इस प्रोजेक्ट से हमारे सोसाइटी में तो डेफिनेटली बदलाव आ सकता है, लेकिन क्या समाज में भी बदलाव आएगा? रघु, absolute is both imminent and transient. पूर्णत्व हमेशा स्थिर और उत्कृष्ट होता है, और समाज के प्रति आपका लगाव उत्कृष्ट भी है और पूर्ण भी है. So, definitely, समाज में जरूर बदलाव आएगा. हाँ, पहले काम करने के लिए कोई रेडी नहीं था, बट थैंक्स फॉर टेकिंग दिस अप. As I have always said, I love this plot and I want such people like you, जो सोसाइटी के लिए या फिर उसकी अपलिफ्टिंग के लिए जो काम करें. So you too wanted to make a movie on this topic? I'm not talking about movies. I found one. Nachiketa. You found one more matlab? Nachiketa. Nachiketa. अरे आपको नहीं पता? What? आपने ही तो बनाए हैं, और ना जाने और कितने बनेंगे. सर जी, मैं कुछ समझा नहीं. Anyways, I'll get down here. Here? Okay. Okay, bye. If you give me 100 Nachiketas, I shall change the world. सर जी, सर जी, फिर कब मिलोगे? समाज के प्रति अपना लगाव ऐसे ही बनाए रखना, तो एक दिन हम जरूर मिलेंगे. हेलो कुसुम. अरे यार, वो अपना डायरेक्टर नचिकेता कुछ कह रहा था. क्या है यार ये? क्या बोले आप? इट्स स्वामी विवेकानंद. व्हाट? स्वामी विवेकानंद? इट इज अ सेइंग बाय स्वामी विवेकानंद. देखो दोस्तों, हम लोगों को डायरेक्टर को अभी के अभी मिलना पड़ेगा. अभी. कहाँ पे? प्लीज कम टू शिवा गार्डन. ओके, आई विल बी देयर इन 15 मिनट्स. इनसे पूछते हैं. नमस्कार. नमस्ते. राजवीर पैलेस फेज 3 कहाँ है? फेज 3 तो नहीं है. क्या? आपको जाना कहाँ है? नहीं, फेज 3 जाना है. हमने एक आदमी को यहाँ पे छोड़ा था. अच्छा. हमने देखा यहाँ पे राजवीर पैलेस फेज 3 का बोर्ड भी था. कहाँ है वो? अभी नहीं पता. क्या? नहीं जी, दो ही फेज है, फेज 1 और फेज 2. ऐसे कैसे? यही तो छोड़ा था. नहीं भाई साहब, यही पे छोड़ा था. आपको जाना है पक्का? कहाँ? फेज 3. फेज 3 नहीं, यहाँ पे दो ही फेज है, फेज 1 और फेज 2. पक्का करो, कहाँ पर हो? यही जगह है यार, ऐसे कैसे होगा?
फेज थ्री नहीं है, फेज वन है और फेज टू। नमस्कार, मैं अनुराग को कॉल करता हूं। हाँ अनुराग, अरे यार तुमने वो बंदा भेजा था ना नरेंद्र, उसका अल्टरनेटिव नंबर है क्या तुम्हारे पास? प्लीज देना। कौन नरेंद्र? अरे भाई मैं किसी नरेंद्र को नहीं पहचानता। अरे क्या बात कर रहा है, नरेंद्र वही अपना डायरेक्टर फिल्म का। हाँ उसका नंबर चाहिए। मजाक मत कर बाबा, आई जस्ट केम बैक फ्रॉम कुवैत। अच्छा अच्छा चल रखता हूँ। ओके हद हो गई यार, वो बोलता मैंने भेजा नहीं, अब भी कुवैत से आया हूँ। आया कहाँ से ये बंदा फिर? We must have cooked all the stories. बोलता है कलकत्ता से आया हूँ, राजवीर फेस थ्री में रहता हूँ। I'm calling cyber crime right away. हाँ देखो। हेलो साइबर सेल, विवेकानंद गिव मी 100 नचिकेता एंड आई शैल चेंज द वर्ल्ड। लेकिन मैंने नचिकेता कब बनाया? What was he referring to? Congratulations, Papa, for your movie. Everyone loved your movie. Even my school friends, they loved it so much. बेटा मैंने तुम्हारे स्कूल का प्रोजेक्ट देखा, उसके अंदर तुमने लिखा है कि नचिकेता। अच्छा नचिकेता क्या पापा, इतना नहीं मालूम आपको? नचिकेता मींस अ ट्रू ऑनेस्ट एंड फियरलेस सोल हु वर्क्स फॉर सोसाइटी एंड इंस्पायर्स अदर्स आल्सो टू डू द सेम। सीरियसली पापा? अच्छा ठीक है, अभी मैं खेलने जा रही हूँ। Myself नरेंद्र दत्ता, चाहे रूप किसी का भी हो, समाज के हित का ही संदेश है। तो एक दिन हम जरूर मिलेंगे। आपकी आत्मा सच्ची, निडर और साहसी है। If you give me 100 नचिकेतास, I shall change the world. और आपको अपने जैसे अनगिनत विवेकों का निर्माण करना है। जीते जी मन के हारे हार,
रंग दो खुद को जुनू से करो प्रहार मन के जीते जी मन के हारे हार रंग दो खुद को जुनू से करो प्रहार मन के जीते जी मन के हारे हार रंग दो खुद को जुनू से करो प्रहार गर खुद को कभी पाऊं बंधा कभी बेड़ियों में मैं गर खुद को कभी पाऊं दृढ़ शक्ति से मन शक्ति से मेरी रिहाई है मेरी खुद से खुदाई है मेरी जिद से जुदाई है कुछ कर सके है जो मैं वो खुद हूँ मैं वो खुद हूँ मेरी खुद से खुदाई है मेरी जिद से जुदाई है कुछ कर सके है जो मैं वो खुद हूँ मन के जीते जी मन के हारे हार रंग दो खुद को जुनू से करो प्रहार मन के जीते जी हार हार रंग दो खुद को जुनू से करो प्रहार मन के जीते जी मन के हारे हार रंग दो खुद को जुनू से